नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, अगर स्किन पे कुछ रैशेज हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, जैसे कि रिंग्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें आयुर्वेद में क्या प्रयोग बताए गए हैं और उनको कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज, और ये प्रयोग कैसे किया जा सकते हैं, इसके लिए क्या प्रिपरेशन है देख लेते हैं। तो दोस्तों सामग्री में आप देख सकते हैं, ये हमने नारियल का तेल ले लिया है एक छोटे से बाउल में, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये 2 टीस्पून फुल है ये, और ये 2 चुटकी के आसपास कपूर है। और कपूर का दोस्तों ध्यान रखें कि शुद्ध क्वालिटी का हो, जिसमें कुछ मिलावट वगैरह ना हो, अक्सर कपूर में मोम की मिलावट मानी जाती है। तो ये कपूर को आप जो अपने नारियल का तेल लिया है पिघला हुआ, इसमें मिक्स कर लें, और ये आप देख सकते हैं मिक्सचर बन गया है। इसको आपको थोड़ा सा चम्मच से हिला करके डिजोल्व करना पड़ेगा। ये देखिए इसके कुछ लम्ब्स टाइप का दिख रहे हैं अंदर, तो चम्मच से आप जब हिलाएंगे तो ये इसमें घुलता जाएगा, और ये हिलाने के बाद बिल्कुल करीब करीब घुल चुका है, और ये आपकी औषधि तैयार है। इसको आप जहाँ भी खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और ये काफी अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया आयुर्वेद में। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही इजी प्रिपरेशन है, अगर आप इसको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए, और क्योंकि होममेड है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात, कोई साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आपको इसको जरूर करके देखें, आपको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा भी और कई प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, जो कि इस तरह की खुजली या स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ही बेस्ड होंगी, और बहुत ईजी प्रिपरेशन होंगी, वो भी आप कर सकेंगे अगर आपको स्किन की दिक्कत है। तो दोस्तों ये इसमें खास बात ये जो एग्जिस्टिंग आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो एलोपैथी का, वो भी आप साथ में कर सकते हैं, कोई दवाई आप खा रहे हैं वो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, और इसको भी आप साथ साथ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों इस तरह के और बहुत से प्रिपरेशन और बहुत से नुस्खे और घरेलू उपाय हमारे वेबसाइट onlyrv.com पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां जाकर के हमारे ये टिप्स देख सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। और इसके अलावा खुजली ही नहीं और बहुत सी ट्रीटमेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं, तो कोई ना कोई टॉपिक आपके काम का जरूर होगा। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट करें, और अच्छा लगे, इफेक्टिव लगे तो ये ट्रीटमेंट औरों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि और लोग इसे लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।